हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 30 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप इज गोइंग ऑन। आपसे पूछा जा रहा है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन किस शहर में हो रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, लखनऊ, चेन्नई या फिर जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जिसको वर्ल्ड टूर सुपर 300 कहते हैं, इस किक्ड ऑफ इन लखनऊ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाई द यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन अंडर द एजिज ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड दिस इवेंट। और इस इवेंट की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू द बैडमिंटन सर्किट एज BWF ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन 2009। एंड सिंस देन द टूर्नामेंट इज बींग एनुअली हेल्ड इन लखनऊ एट द बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। तो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष भी इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फिल्म वैग्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट IFFI 2023 इवेंट। आपसे पूछा जा रहा है, IFFI या इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके ऑप्शंस हैं एंडलेस बॉर्डर्स, पंचायत 2, कैचिंग डस्ट या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडलेस बॉर्डर्स। ये जो फिल्म है इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, द कवेटेड गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म वॉज कन्फर्ड अपॉन द पर्सियन मास्टरपीस एंडलेस बॉर्डर्स डायरेक्टेड बाई अब्बास अमीनी। एंड द फिल्म इंट्रिकेटली डेल्व्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रेजुडिस मॉरल डिलेमास एंड फॉरबिडन लव। द ज्यूरी प्रेज्ड द फिल्म्स एबिलिटी टू ट्रांसेंड फिजिकल एंड इमोशनल बॉर्डर्स, लॉडिंग डायरेक्टर अब्बास अमीनीज करेजियस स्टोरी टेलिंग। सो आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है और ये 54th एडिशन है इस इवेंट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स एंड द रिसिपियंट ऑफ वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन 2023। आपसे पूछा जा रहा है, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक कौन है जिन्हें हाल ही में शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके ऑप्शंस हैं रुक्मणी बनर्जी, सफीना हुसैन, मलाला यूसुफजई या फिर कैलाश सत्यार्थी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस प्राइज से सम्मानित किया गया है सफीना हुसैन को। आप यहाँ देख सकते हैं, सफीना हुसैन द फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस वॉइस प्राइज फॉर एजुकेशन एट द वॉइस 11 समिट। और वॉइस का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। द वॉइस प्राइज फॉर एजुकेशन इज द फर्स्ट ग्लोबल डिस्टिंक्शन टू इट्स काइंड दैट ऑनर्स एन इंडिविजुअल फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन। और सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने वाइस प्राइज को जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड हैज बीन सेलेक्टेड एज द मेरियम वेबस्टर्स वर्ड फॉर 2023। आपसे पूछा जा रहा है, 2023 के लिए मरियम वेबस्टर शब्द के रूप में डिक्शनरी के द्वारा कौन सा 2023 का शब्द चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं सिचुएशनशिप, स्विफ्ट, डी इन्फ्लुएंसिंग या फिर ऑथेंटिक।
आपको बताना है कि मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर कौन से शब्द को चुना गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वर्ड है ऑथेंटिक। आप यहाँ देख सकते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ डीप फेक्स एंड एआई, ऑथेंटिक स्टूड आउट एज मरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022-23। एंड इन अ ईयर फिल्ड विद डिबेट्स ओवर व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स फेक, मरियम वेबस्टर हैज फिटिंगली क्राउंड ऑथेंटिक एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर। द डिक्शनरी डिफाइंस ऑथेंटिक एज नॉट फॉल्स और इमिटेशन, बट इन एन एज ऑफ डीफेक्स एंड एआई जनरेटेड कंटेंट, इवन सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑथेंटिसिटी हैव बिकम कॉम्प्लेक्स। तो आप ध्यान रखेंगे, मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर रहा है ऑथेंटिक। आपको कमेंट करके बताना है कि किस डिक्शनरी के द्वारा एआई को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच प्लेस विल द इंडियन नेवी कंडक्ट ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नेवी डे। आपसे पूछा जा रहा है, नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना किस स्थान पर ऑपरेशनल प्रदर्शन को आयोजित करेगी। आपके ऑप्शन हैं सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कोची केरला, लोनावाला महाराष्ट्र, या फिर पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। आपको बताना है कि भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन कहां पर किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया जाएगा। आप यहां देख सकते हैं, इंडियन नेवी विल डिस्प्ले इट्स ऑपरेशनल पावर्स एंड कैपेबिलिटीज थ्रू एन ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन एट द आइकॉनिक सिंधुदुर्ग फोर्ट ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड ऑफ इंडिया। And the event will be hosted by Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, and it will be witnessed by the senior center and state government officials, military dignitaries, and locals from the Tarkarli beach. The aim of this event is to celebrate India's rich maritime history reflected through the Sindhudurg Fort built in 660 by Chhatrapati Shivaji Maharaj and to said colonial practices. तो आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया जाएगा और ये आयोजित किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्रेजेंटेड द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपसे पूछा जा रहा है, इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 हाल ही में प्रदान किया है, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी, डॉक्टर कामाची मुदाली उथंडी, डॉक्टर रामेश्वर शाह, या फिर डॉक्टर निलॉय कुंडू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कामाची मुदाली उथंडी को। आप यहाँ देख सकते हैं, द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 इज प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटलर्जिस्ट इन द आयरन एंड स्टील सेक्टर, एंड इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू 5 डिस्टिंग्विश्ड मेटलर्जिस्ट इन 4 कैटेगरीज एंड द लिस्ट आर गिवन बिलो। तो आपने देखा, डॉक्टर कामाची मुदाली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वहीं नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को। डॉक्टर रमेश्वर शाह को दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर, और यंग मेटलर्जिस्ट का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर निलॉय कुंडू और एजिलिन मुथु को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल वॉज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू रिपोर्ट रेट होल माइनिंग केसेज। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय का कौन सा एप्लीकेशन है जो विशेष रूप से रेट होल माइनिंग मामलों की रिपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। आपके ऑप्शन हैं सत्यनिष्ठा, खान प्रहरी, जागो, या फिर नन ऑफ दीज।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस ऐप का नाम है खान प्रहरी, आप यहाँ देख सकते हैं। सो खान प्रहरी ऐप इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स टूल फॉर रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस रिलेटेड टू इलीगल कोल माइनिंग लाइक रैट होल माइनिंग एंड पिल्फरेज एक्सेट्रा। सो अभी हाल ही में आपने देखा काफ़ी चर्चा में रहा है रैट होल माइनिंग। इसके बारे में बात करें तो रैट होल माइनिंग इज़ इलीगल बट द टैलेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ रैट होल माइनर्स वर यूज इन द रेस्क्यू ऑपरेशन टू सेव द 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इन द सिलगियारा टनल। और ऐसा कहा गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये रैट होल माइनिंग अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित है खान प्रहरी ऐप। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।